दोस्तों, अगर आप अपने किसी भी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं तो आज आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप काइन मास्टर एप्लीकेशन के थ्रू अपने वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्लस का आइकन दिखेगा सेंटर में, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। इसके बाद मैं 16:9 का रेशियो सिलेक्ट करूँगा। आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप किसी अदर प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो मैं 16:9 सिलेक्ट करूँगा यूट्यूब वीडियोज़ के लिए, तो इस पर क्लिक किया मैं। इसके बाद मैं यहाँ से एक वीडियो सिलेक्ट करूँगा जिस वीडियो में मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर कैमरे में क्लिक करूँगा और इस वीडियो को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर राइट पर क्लिक करूँगा। इसके बाद हमारा जो वीडियो है वहाँ आ गया है टाइमलाइन में। ठीक है, अब इस वीडियो को एक दोस्तों, बार हमारे प्ले न्यू करके आप स्टार बैच यूट्यूब देखिए। चैनल के लिए सिल्वर प्ले बटन। अब यहाँ से हम लोग ऑडियो पर क्लिक करेंगे यहाँ, और इसके बाद यहाँ से अपना कोई भी म्यूज़िक हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर म्यूज़िक में जाएंगे। यहाँ पर मैं जो म्यूज़िक ऐड किया हुआ हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा म्यूज़िक पर। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 म्यूज़िक यहाँ पर अवेलेबल हैं, इनको प्ले करके आप यहाँ सुन सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे ये वाला म्यूज़िक पसंद आया इसलिए मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगा। अब ये म्यूज़िक हमारे वीडियो के बैकग्राउंड में आ चुका है। अगर मुझे और म्यूज़िक चाहिए तो यहाँ से स्टोर में जाकर हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी राइट के बटन पर क्लिक करूँगा मैं यहाँ पर। इसके बाद जो हमारा म्यूज़िक है वो हमारे बैकग्राउंड में आ चुका है। अब इस म्यूज़िक का लेंथ बहुत ज़्यादा है इसलिए हम इस पर क्लिक करेंगे एक बार। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर कटर का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, राइट साइड को स्प्लिट कर देंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे इसमें। तो जैसे इस पर क्लिक किया, हमारा स्प्लिट हो गया राइट साइड का पूरा म्यूज़िक। अब इसको हम लोग शुरू में लाएंगे टाइमलाइन में, शुरू में, और इसे प्ले करके देखेंगे। तो आपने देखा इस तरह से हमारे बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है पर मेरा जो साउंड है वो दब गया है। तो इसके साउंड को और ज़्यादा कम करना है, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है उसको कम कर देते चुका हैं। है, इसके हमने बाद प्ले अप्लाई कर करके दिया देखते है। हैं। लगभग 1 से 2 सप्ताह के बाद हमारा जो सिल्वर प्ले बटन है वो हमें रिसीव हो जाएगा। तो आपको मेरा साउंड अभी अच्छे से क्लियर सुनाई दिया होगा। अब हम लोग इस पर सिलेक्ट करते हैं इसको और साउंड में जाते हैं और इसके साउंड को कट कर देते हैं। अब जो मेरा साउंड है वो पूरा कट हो गया है, अब सिर्फ बैकग्राउंड म्यूज़िक बजेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं किसी भी वीडियो में, और वीडियो का साउंड भी आप रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने वीडियो में म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को दबाइए। वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।